तो पार्टी तो बहुत लोग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन सबका एक ही है केवल कि चुनाव में खड़ा हो जाना और पैसा के बल पर लोग चाह रहे हैं चुनाव को जीतना। बलिया के बैरिया नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनावी मैदान में है। बैरिया नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी शिक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरावती देवी के पति शैलेश वर्मा ने बताया है कि हम लोग शिक्षा व विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। नगर पंचायत में विपक्षी पार्टियां दारू व मुर्गे के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता ने मौका दिया तो इस नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाया जाएगा। विकास की गंगा बहाई जाएगी। गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। और हमारा टारगेट होता है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही हर चीज कमी को दूर किया जा सकता है, इकोनॉमिक्स से दूर होगा। अगर शिक्षा किसी भी स्टूडेंट का या कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके पास शिक्षा नहीं है तो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होगी। अगर शिक्षा उसके पास है तो इकोनॉमिक्स को दूर किया जा सकता है। हमारा मतलब हम लोग आगे निकल चुके हैं, इसलिए कि वो लोग दोनों पार्टी ऐसी स्थिति हो गई है कि घर घर मुर्गा दारू लोग बांट रहे हैं, लिस्ट बना करके पैसा दिया जा रहा है। लेकिन हमारा अभी तक किसी भी हम लोग का नहीं, हम लोग शिक्षा के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं और हम लोग को समर्थन मिल रहा है। इसलिए विकास आप पैसा 500 रुपया दे करके खरीद सकते हैं तो विकास नहीं कर सकते हैं। ये पब्लिक समझ रही है, इस बार हम लोग बिकने वाले नहीं है, इस बार हम लोग शिक्षित आदमी को वोट देंगे, इसलिए हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ से साइकिल निकल रही है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।